आध्यात्मिक जगत में आम का उदाहरण नहीं लागू होगा, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है, वहाँ तो सदी हुई टेक्नोलॉजी ही यूज होती है कि उसको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से लाया जाएगा और जितना टाइम है उतना टाइम दिया जाएगा और चीज़ें जुटाई जाएंगी। संभव है, लोगों के अंदर तो बहुत सोया हुआ प्रतिभा का जगत पड़ा है, क्षमताएं पड़ी हैं। किसी को नैसर्गिक रूप से छोड़ दिया जाए तो वो हो सकता है इस जन्म में कुछ कर ले, छोटी छोटी क्षमताएं, गणित की क्षमता हो, संगीत की क्षमता हो, खेलने कूदने की क्षमता हो, लिखने की क्षमता हो, हर क्षमता को अगर ठीक से व्यवस्थित किया जाए तो बढ़ाया जा सकता है, उसी अगर ठीक से ट्रेनिंग दी जाए। अपने पे छोड़ दिया जाए तब भी आएगी, लेकिन जिसके अंदर बढ़ा उसके अंदर था तो पहले ही, हम निकाल नहीं सकते। जैसे किसी के अंदर अगर मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं है तो हम उसको दुनिया का सबसे अच्छा मैथमेटिशियन टीचर लाकर दे दें तब भी वो उसके अंदर से मैथमेटिक्स नहीं निकाल लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, एबिलिटी। अब किसी के अंदर है तो उसको जरा सा हवा दी जाएगी, उभर आएगी। तो ऐसे ही कुछ सीकर जो चलते हैं यात्रा में, वो नैसर्गिक रूप से अपनी जो टीचिंग है, नॉलेज है, उसको ले जाने में सक्षम होते हैं। तो उनको ही पहचान कर, पॉइंट करके अस्तित्व की जो रहस्यमय शक्तियाँ हैं बढ़ावा दे देती हैं, तो वो हमारे बीच दिखाई देते हैं। हमारे बीच जो दिखाई देते हैं बस वही मास्टर्स नहीं हैं, लेकिन वो हैं एक अर्थ में, क्योंकि उनकी कुशलता अपनी जगह बड़ी व्यापक है। अपनी बात किसी को समझा देना, किसी को कोई बात कन्विंस करवा देना बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं तो कोई गुरु खड़ा हो सकता है, कहता होता है ऐसे ही होता है, बस जाग जाओ, ठीक है भाई। अब उसकी प्रेजेंस तो इतनी प्रभावशाली होगी कि व्यक्ति इनकार भी नहीं कर पाएगा, कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता है। लेकिन फिर उसके मन में गुत्थी उलझ जाएगी कि लेकिन कैसे होता है, वो कहे कैसे मत पूछो। लेकिन अब वो गुरु ज़्यादा कुशल हो जाएगा जो उस कैसे को भी समझा सके, वो उसके कैसे का भी, वो जितने कैसे पूछे, हजार कैसे पूछे, लाख कैसे पूछे, तब भी वो उसको उत्तर दे पाए कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, और तब व्यक्ति कन्विंस होकर कहे ठीक बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अब अष्टावक्र जनक के सब बाद में देखिए, ये कुशलता ही है अष्टावक्र के कि उन्होंने कन्विंस कर दिया। जनक भी शास्त्रार्थी सुन रहे थे, मनन कर रहे थे, सारी चीज़ें उनके अंदर परिपक्व थीं, लेकिन जो अष्टावक्र के कहने का ढंग हुआ, समझाने का ढंग हुआ, उसने उनको कन्विंस कर दिया। और वो प्रेजेंस भी थी तो सोने पर सुहागा हो गया। इसीलिए गुरु की प्रेजेंस ही कन्विंस करती है अल्टीमेटली, लेकिन अगर उसकी शब्दों की अभिव्यक्ति की क्षमता है तो वो सोने पर सुहागा है और बेहतर है, बहुत अच्छा है। बिना प्रेजेंस के भी अगर कोई वही शब्द दोहराए, याद कर ले कोई, अभी मार्केट में भी तमामों ऐसे गुरु हैं जो याद करके ही गुरु हैं, याद कर लीजिए, लिटरेचर है बहुत सारा, आप मेमोराइज कर लीजिए, रिपीट करने लगे उसको, तो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है लेकिन वो काम नहीं आएगा, बहुत दूर तक बात नहीं बनेगी। उसका नतीजा क्या होता है, मैंने देखा है कि जो ये पैरटिंग वाले, तोते वाले जो गुरु हो जाते हैं मेमोराइज करने वाले, वो वैसे ही और लोग पैदा कर देते हैं। अगर उनके साथ कोई महीना दो महीना साल भर रह लेता है तो कुछ लगता है ठीक है तो हम भी कर सकते हैं, बढ़िया है, तो कुछ दिन बाद वो, तो इसीलिए मार्केट में पाउच गुरुज की एक कल्चर है, पाउच गुरु कल्चर, एक पाउच दूसरे पाउच को पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई अष्टावक्र जैसा गुरु होगा तो आप लाख सिर पटकेंगे, लेकिन आप ये तो सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। आपको लगेगा क्या है रहस्य, क्या कौशल है, जो जनक विस्मय से कह रहे हैं कि किस कौशल से जान लिया कि क्या चीज़ है। वो समझा भी रहा है, आप समझ भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अवाक रह जाते हैं, आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंस से आ रही चीज़ है, वो रहस्य से आ रही चीज़ है। लेकिन अगर वो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, यानी जैसे आजकल के सोशल मीडिया
एज में कॉपी पेस्ट चलता है, तो कॉपी पेस्ट है तो कॉपी पेस्ट तो कुछ दिनों में आप भी कर सकते हैं। तो देयर आर नुमेरस कॉपी पेस्ट पीपल, उनके परिणाम आते आते लगते हैं लेकिन आते कुछ भी नहीं। तो यही अंतर है बस।